योग्य जीवन साथी नहीं मिलने के इंतजार में कई युवा कुंवारे रह जाते हैं। अगर आप भी अपने लिए योग्य जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो इस गुप्त नवरात्रि में आपकी ये तलाश खत्म हो सकती है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के रहने वाले ज्योतिषाचार्य एवं कथावाचक पंडित पंकज मेहता द्वारा बताए उपायों के अनुसार इस नवरात्रि में अगर उपासना करेंगे तो निश्चित ही योग्य जीवन साथी मिल जाएगा। क्या है वो उपाय, चलिए जानते हैं। दो नवरात्रि, एक आषाढ़ मास की और एक माघ मास की, ये गुप्त नवरात्रि मानी गई। तंत्र की दृष्टि से इन दोनों का अपना स्थान है। ये सामान्यतया मंत्र साधक लोग या तंत्र साधकों के लिए विशेष महत्व की मानी गई, क्योंकि इसको साधारण गृहस्थ भी कर सकते हैं। हम सभी भी उपासना करने में कोई मना ही नहीं है। कामनाओं की सिद्धि के लिए भी ये नवरात्रि विशेष मानी जाती है, खासकर चूंकि इसमें वसंत का आगमन है, वसंत काम उत्पत्ति है। तो विवाह जिनके नहीं हो रहे हों, विवाह की जिनकी अपेक्षा हो, लड़के या लड़कियों के जो अभी अविवाहित हैं, वे इसमें देवी साधना करते हैं, तो इनको निश्चित रूप से सुयोग्य वर या सुयोग्य वधु की प्राप्ति भी होती है। तो कामनाओं की दृष्टि से भी हो जाए। तो मंत्रों का ऐसा है कि हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा कहा है कि मंत्र किसी गुरु से ही ग्रहण करना चाहिए। लिखे हुए मंत्रों को आप या किताब में लिखे हुए मंत्रों को पढ़ने सिद्धि नहीं मिलती। आप किसी गुरु से या कोई विद्वान से, किसी जानकार व्यक्ति से आप वो मंत्र लेंगे। लोकल एटिंग के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।